आप सभी का एक बार फिर से डेली हसल बसल चैनल पर स्वागत है। तो आइए आज की रेसिपी में हम पिज्जा बनाना सीखते हैं। पिज्जा बनाने के लिए हमें 2 से 3 प्याज, 2 शिमला मिर्च, 2 से 3 टमाटर और कॉर्न की आवश्यकता होगी। इसके बाद हमें चीज, चिली फ्लेक्स, टोमेटो केचप, बटर, नमक स्वादानुसार, आमचूर पाउडर, कॉर्न ग्रेन और पिज्जा बेस चाहिए। तो आइए पिज्जा बनाने की रेसिपी को इस 4 इजी स्टेप्स में सीखते हैं। सबसे पहले प्याज को अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे और उसके बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक काट लेंगे। और इसी तरह से शिमला मिर्च और टमाटर को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में गैस ऑन करके कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे। कढ़ाई गर्म हो जाने के बाद उसमें बटर डाल देंगे और कटे हुए प्याज को उसमें हल्का सा ब्राउनिश कलर आने तक उसे भूनते रहेंगे। इसके बाद इसमें शिमला मिर्च, टमाटर और कॉर्न को 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो अब बारी आती है मसालों को ऐड करने की। चलिए मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले नमक, चिली फ्लेक्स, टोमेटो सॉस और चीज को ग्रेटर से स्प्रेड करने के बाद मिक्स कर लेंगे।
सभी चीजों को ऐड करने के बाद कढ़ाई को लिड से कवर करके 5 से 7 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। अब कढ़ाई उतारने से पहले उसमें आमचूर पाउडर डालकर गैस बंद कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में पिज्जा बेस लेकर उसके ऊपर टोमेटो सॉस को इवनली स्प्रेड कर लेंगे। अब इसके बाद हमने जो कढ़ाई में मसाला रेडी किया है उसे इसी बेस पर अगेन इवनली स्प्रेड कर देंगे। अब बारी है मेन इंग्रेडिएंट ऐड करने की और वो है चीज, जिसे हम ग्रेटर की हेल्प से स्प्रेड कर देंगे। अब बढ़ते हैं लास्ट स्टेप की ओर, जहां हम लो फ्लेम पर पैन रखेंगे और उसके ऊपर हल्का सा बटर स्प्रेड करेंगे। एट द एंड रेडी किए हुए पिज्जा बेस को पैन पर 1 मिनट के लिए ढककर रोस्ट करेंगे। फाइनली अपना पिज्जा बनकर रेडी हो चुका है, जो कि काफी डिलीशियस एंड माउथ वाटरिंग दिख रहा है ना दोस्तों। तो चलिए आप भी इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा लगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।